हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि मैं आज आया हूँ 20 मई को मॉर्निंग में, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसका अपडेट देने का प्रयास करूँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। तो आइए आपको दिखाते हैं, कुछ यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी जितने भी ऊपर सीवेज पंपिंग स्टेशन के जो मलबे थे उसको नीचे साइड में ला दिया गया है और उसको भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आइए दिखाता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ जो मलबे हैं इसको भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है पीपा के थ्रू। तो सारा सब कुछ दिखाते हैं बैक कैमरा से, आइए चलते हैं दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आज है 20 मई और 20 मई के मॉर्निंग में आप दृश्य देख सकते हैं। एक बार मैं पूरा आपको एंगल पर दिखा देता हूँ पूरा दृश्य। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मलबे थे सीवेज पंपिंग स्टेशन के, ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको और ये भी बीच वाला पोर्शन दिख रहा होगा। ये सारा का सारा मलबा यहाँ से हटा दिया गया है और अब कुछ नज़ारा एकदम साफ एकदम सुथरा दिख रहा है मित्रों। तो आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और आगे जाकर सारा दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। जैसा कि नीचे का सरफेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे का सरफेस है पूरी तरीके से यहाँ पे इसको एकदम, जितना कल तक मैं जब आया था तो यहाँ बहुत सारा जो है कि मलबा एकत्र था। इस वाले लास्ट वाले सीवेज पंपिंग जो स्टेशन का लास्ट पोल है वहाँ तक सारा मलबा जमा था, लेकिन आज क्या देखा मैंने मॉर्निंग में कि सारा मलबा जो है कि हटा दिया गया है और कुछ लोग इधर से भी आ रहे हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, उधर का दृश्य दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यही वो मशीन है जो कि इस पूरे सीवेज पंपिंग को तोड़ने का काम किया है। ये बोलते हैं कि ड्रिलिंग मशीन खोदने का या करने का कार्य करती है। इसका साइज देख सकते हैं कितना बड़ा ये है, बहुत बड़ा है साइज में। ये देख सकते, ये जो इसका नुकीला वाला पार्ट इधर निकला हुआ है इसके ही थ्रू तोड़ा गया है। और जैसा कि आप सामने का यहाँ से दृश्य देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट का, ये देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट का नज़ारा। अभी चलेंगे आए की तरफ और आएगा अभी दृश्य दिखाएंगे जिधर सारा सामान फेंका जा रहा है, उठा उठा के फेंका जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो इधर जितने भी मलबे थे इधर सामने साइड में, इधर साइड में जितना भी मलबा था ये सारा का सारा मलबा देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे साइड में उतारा गया है और यहाँ से पहले ढकेला गया इसको नीचे और नीचे से फिर जो है कि ट्रांसफर कर गया उस प्लेस पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आगे का दृश्य कुछ दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये उसे बोलते हैं पीपा और ये पीका का कार्य है। जगह जगह जैसी रिक्वायर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कार्य होता है। बट यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो सारे मलबे यहाँ पे लाए गए हैं, एकत्र किए गए हैं, इन सारे मलबों को इस पर लादा जा रहा है और लादने के बाद यहाँ से कुछ दूर सामने डोमरी एक प्लेस है, उस प्लेस पे इन सारे मलबों को जो है कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसके बाद वहाँ से जहाँ इस मतलब जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी यही पे स्नान किए थे, बट अभी पानी का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। एक समय था कि पानी पूरा यहाँ तक लबालब भरा हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि पानी का जो लेवल है वो बहुत काफ़ी नीचे चला गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये देखिए बड़ी मशीन है जो कि पत्थरों को उठाने का वर्क करती है। ये जो पोर्शन है यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है इनके थ्रू उठाई जाती है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा सा पास चलते हैं और पास से दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये स्ट्रीट डॉग्स तो यहाँ पे देख सकते हैं इन मशीनों को किस प्रकार से इनका कार्य चल रहा है लगातार। देख रहे हैं ये पूरा लग रहा है आज ये जो पूरा इधर सीढ़ियों पे जो मलबा है इसको भी हटा दिया जाएगा और सारा का सारा ये नीचे फेंक दिया जाएगा। ये तीन बड़ी बड़ी मशीनें कल से कार्य कर रही हैं, एक मशीन वो है और एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। ऊपर वो वहीं पे है और उसका काम है ऊपर सारा चीज़ को नीचे ढकेलना और इसका काम है यहाँ से सारे मलबे को उठा करके उधर साइड में ट्रांसफ़र करना। तो अभी आगे भी जाएंगे उधर का भी दृश्य दिखाएंगे, बट उससे पहले चलेंगे हम ललिता घाट पर और ललिता घाट पे जो कार्य हो रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम। देख सकते हैं इधर से भी
ये देखिए वायर्स है कुछ पहले के, कुछ मेटल्स के वायर है या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक्स वायर है। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आइए चलते हैं ललिता घाट की तरफ और ललिता घाट से आपको पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं उधर क्या हुआ है और क्या नज़ारा है वहाँ से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जैसा भी हो कमेंट करके बतलाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आप यहाँ से देख सकते हैं जो पूरा दृश्य है एकदम यहाँ पे ललिता घाट के एकदम सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एकदम साफ कर दिया गया है और बस थोड़ा पोर्शन रह गया, ये बीच में छड़े हैं, अब इसको ही साफ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये पत्थर वाला काम भी रुका हुआ है, तो मुझे लगता है जहाँ तक ये साफ होने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और आएगा भी दृश्य वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास पूरा करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ से लोग नाव के द्वारा इधर साइड में आ रहे हैं, चलते हैं ललिता घाट पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ पत्थरें लगाई जा रही हैं और यहाँ पे बताया गया था कि उस दिन ललिता घाट के जस्ट बगल में और सामने फ्रंट साइड में यहाँ पे दीवार बनाया गया है और दीवार बनाने के बाद यहाँ पे पत्थरें लगाई जा रही हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ऊपर का नज़ारा भी यहाँ से दिखाते हैं आपको। और जैसा कि आप यहाँ से ऊपर का नज़ारा देख पा रहे होंगे कि कुछ नीचे का भी पूरा पानी वहाँ से देखिए लीक हो रहा है, गिर रहा है, जिसकी वजह से पानी भरा रहा है और बीच में एक होल भी है जो सीवेज पंपिंग का स्टेशन का होल है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप ऊपर से भी नज़ारा ये देख सकते हैं, यहाँ से कुछ अभी जो पानी गिर रहा है और देखिए यहाँ पर जो पत्थरों का कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए आपकी जो सीढ़ियाँ हैं ललिता घाट पर बनी हुई और यहाँ जो पंपिंग स्टेशन कभी हुआ करता था वो एक सपना रह गया और उसको ख़त्म कर दिया गया और उस सीवेज पंपिंग स्टेशन को वहाँ बिरला निवास के जस्ट पीछे साइड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और यहाँ पे सामने साइड का कुछ दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पत्थरें लगाई जा रही हैं। तो आइए कुछ और भी दिखाते हैं, यहाँ से कुछ नज़ारा आपको दिख रहा होगा तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। जैसा कि फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये है ललिता घाट और यहाँ पे ये जो मेटल्स की कुछ पोल्स लगाई गई हैं और ये पोल्स लगाया गया है लगभग 10 दिनों से, बट यहाँ पे जो काम है वो काम रुका हुआ है, वो काम नहीं चल रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये काम क्यों चल नहीं रहा, क्योंकि सामने जो टूटने का काम था पंपिंग स्टेशन का वो तो फाइनली टूट चुका है और कुछ बचा नहीं, सिर्फ बचा है मलबा। तो मलबा भी सारा का सारा नीचे उतार दिया गया है और उसको पीपा के थ्रू उधर सामने डोमरी साइड में भेजा जा रहा है। तो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए था अब तक, पूरा का पूरा लबे लब मट्टी भरा हुआ था। तो इस मट्टी को साफ किया गया है, इस मट्टी को यहाँ से निकाला गया, फिर इसको धुला गया और ये साफ किया गया। और जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा ये वाल फिर से चमकने लगे हैं और यहाँ से कुछ बाहर का नज़ारा ये है। और ये कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलता हूँ वो भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से बाहर का नज़ारा, यहाँ से देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ और वहाँ जाकर के आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं मित्रों। तो जैसा भी लगता है कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आया कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पशुपतिनाथ जी महाराज का ये टेम्पल ऊपर साइड में है और यहीं से लोग जो है कि आ रहे हैं दशाश्वमेध घाट से, ललिता घाट से होते हुए। तो अब चलेंगे, कुछ और भी कार्य आपको दिखाएंगे, जो आगे के भी जो कार्य चल रहे हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। और अभी कार्य चल रहा है लेकिन फिर भी लोग यहीं से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता मेन दशाश्वमेध घाट से यही मार्ग है इसकी वजह से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए दूसरा पीपा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पीपा वहाँ पे लगा हुआ था, ये दूसरा, मतलब एक को रेड कलर के झंडे से इंडिकेट किया जा रहा है और दूसरे को जो है कि यहाँ पे पिंक कलर के झंडे से इंडिकेट किया जा रहा है। और दोनों पीपा के थ्रू यहाँ पे जो मटेरियल है, जो कुछ भी यहाँ पे आपको मलबा दिख रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ आपको दृश्य। तो ये देख सकते हैं पूरा मलबा यहाँ पे एकत्र है और सारे मलबे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो बढ़ेंगे आगे और आएगा भी दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो हर दिन की तरह आज भी देख सकते हैं पत्थरों की संख्या जो उसी प्रकार से बनी हुई है। और यहाँ पे सामने साइड में अभी रैम का कार्य नहीं चल रहा है क्योंकि इसके अगल बगल जो कार्य है वो चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो पत्थरों को लगाने वाले हैं, पत्थरों को जड़ने वाले हैं, वह दूसरे कार्यों में विलीन है, जिसकी वजह से उनको यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जहाँ जहाँ मतलब वॉल्स बनाए जा रहे हैं तो वॉल के लिए यहाँ पे कुछ पटरियों का यूज़ किया जा रहा है। और वो पटरियाँ हैं ये जो आपको सामने दिख रही हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी पटरियाँ यही हैं जिनके द्वारा वॉल्स को क्रिएट किया जा रहा है। किनारे किनारे लगा करके बीच में सरिया और उसमें मटेरियल भर करके दो दिन के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जैसा कि आप सामने अभी देख पा रहे होंगे, देखिए वो सामने साइड में सीवेज का पानी वहाँ निकल रहा है और निकलने के बाद डायरेक्टली गंगा जी में जाकर गिर रहा है। मित्रों, तो और भी कुछ दिखाते हैं, उससे पहले जो पानी जहाँ से आ रहा है वो देखिए प्लेस यहाँ है, फिर उस टंकी ऊपर जो एक टंकी बनी है वहाँ से फिर अंदर साइड से आ रहा है। मतलब बिरला निवास के पास एक सीवेज टंकी बनी हुई है, वहीं से सारा पानी आ रहा है। और ये मणिकर्णिका घाट का भी आप दृश्य देख सकते हैं। तो कल मैं आया था तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे थे, कल यहाँ पटरियाँ लगी हुई थी, लेकिन आज सारे पटरियों को हटा दिया गया है और ये गलियारा जो बनाया गया है यहाँ से लोग अंदर आएंगे। ये रैंप के बाहर का पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रैंप के जस्ट बाहर का पोर्शन है जो कि आपको सरिया यहाँ पे लगा हुआ है। और ये बाहर का स्ट्रक्चर इतना मतलब मोटा क्यों बना है ये भी जान लीजिए आप। इसके हमको जहाँ तक लगता है इसका वजह यह है कि मतलब जो पानी का जो प्रेशर इस वजह गंगा जी का बढ़ेगा वो रैंप पे कोई भी प्रभाव ना डाल सके, उसकी वजह से बनाया गया है। तो बढ़ेंगे आगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे करता हूँ मैं आपको। पास से ये दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो ये आपका रेलिंग मतलब बनाया जा रहा है, आपका रैंप बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे वहाँ सूता तो लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ भी सूता लगाया गया, उसके हिसाब से इसकी दीवारों की कटाई होनी प्रारंभ हो चुकी है मित्रों। और देखिए आप, ये जाइए नहीं, वीडियो को देखिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर सूता लगाया गया है, यहाँ पे नीला कलर का सूता देखिए लगाया गया है। और उसके जस्ट नीचे इधर साइड में देखिए वालू को यहाँ पे काटा जा रहा है और कल का देखिए वॉल काटा गया है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करूं मित्रों कि रैंप कैसा है, तो सच में ये रैंप है, बहुत ही मजबूती से बनाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना इस मजबूती से बनाया जा रहा है कि ये अमर है। मतलब अमर मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो खत्म ना हो, खत्म हो सकता है, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ इसको बनाने का कार्य चल रहा है। तो अब थोड़ा आगे जाएंगे बिरला निवास और सीवेज पंपिंग स्टेशन के बीचों बीच और वहां जाकर के जो कार्य चल रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो आइए चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस भाई के लिए तो बनता है ना, शेयर करें लाइक करें, ये पता चलता है कि कितने लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से देखिए। यहाँ पानी गिरा हुआ है तो इसे बहुत ध्यान से चलना होगा, अगर सभी स्लिप हुआ तो पैर फिसलेगी और पैर टूटेगा, सर फटेगा। ये देखिए जब कल मैं आया था तो इधर साइड में पूरी है, यहाँ साइड में पटरियाँ लगाई गई थी, इन सारे पटरियों को भी हटा दिया गया है। अब लग रहा है इस पर मट्टी भरा जाएगा, फिर इसे लग रहा है यहाँ से राउंड कराएंगे ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये देखिए क्या होता है, जैसा भी होगा सारा वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। जैसा कि आप यहाँ से देखिए पूरा एकदम सीवेज का पानी डायरेक्टली गंगा जी में जा रहा है। बस ये जो सीवेज पंपिंग वहाँ स्टेशन कभी हुआ करता था, उस तो सीवेज पंपिंग स्टेशन को तोड़ के पे हटा दिया गया है, लेकिन सारा पानी गिरना भी इसमें मतलब सीवेज का जो पानी आ रहा था वो गिरना बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया, तो जो आपको बिरला निवास है उसके जस्ट पीछे एक सीवेज पंपिंग स्टेशन बन गया और सारा पानी वही जा रहा था, लेकिन पता नहीं फिर से क्यों पानी को स्टार्ट कर दिया गया है और सारा पानी फिर से इधर गंगा जी में जाने लगा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं घाटों के नीचे इधर साइड में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भैया देखिए यही भैया हैं जो कि पूरा यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई है, ये सारी पांचों पोल पे जो लाइट लगी हुई है इटालियन लाइट्स ये बजाज कंपनी के द्वारा, तो उनके इन लाइनों के हेड के जो हैं हेड भैया ही हैं। उस टाइम में तो मेरे वीडियो को व्यू कम जा रहे थे और यही इनका देन है कि मतलब
ये लाइट कम से कम 5 से 7 दिन में पूरा का पूरा इसको लगा दिया गया था। 5 से 7 दिन में पूरा का पूरा पोल यहाँ पे लगा दिया गया। भैया झंडा बोले तो कि 10 मीटर का लगेगा, लगाए 1 मीटर का। हाँ भैया ट्रायल है ये। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, तो ये भैया बता दिए कि ये झंडा जो है वो ट्रायल पे है, अभी झंडा हटाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बिरला निवास के जस्ट ही पीछे सीवेज टंकी बनाया गया है और सीवेज पंपिंग स्टेशन चालू कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि पानी को फिर से छोड़ दिया गया है और सारा का सारा पानी, आपको साउंड आ रहा होगा, सारा का सारा पानी जा रहा है गंगा जी में। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर का जो कार्य चल रहा है, देखिए एक मतलब यहाँ पे एक छड़ बिछा करके, एक छड़ नीचे बिछा करके उस पर एक बार स्लैब डाल दिया गया है, ऊपर से फिर एक डबल चेयर डाल करके, छड़े डाल करके फिर से इस पर स्लैब डालने की तैयारी हो रही है। तो ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर से दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिरला निवास जो है ये 2018 में गिरिराज सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और अभी ये कार्य की वजह से इसमें जो कुछ मलबे जमे हो गए थे उसकी सफाई नहीं हुई। मतलब कार्य जब स्टार्ट हुआ तो सारा मट्टी लगा रहा और नीचे साइड में आप देख सकते हैं कुछ, नीचे साइड में देखिए पानी जो ऊपर से आ रहा है ये सारा का सारा पानी टंकी में जा रहा है और टंकी के बाद वहाँ एक नीचे टंकी है उसके बाद जा रहा है गंगा जी में। और दिखाते हैं आपको कार। मॉर्निंग में फ्रेंड 7 बजते इतना कड़क धूप हो जा रही है कि मतलब अगर आप घाट पे आएंगे तो जब भी आएँ तो मॉर्निंग के 5 बजे ही फ्रेश व्रेश हो करके निकल लें, क्योंकि 7+ जहाँ होगा वहाँ जो आपका स्किन है ना तुरंत पसीना छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सीवेज का पानी है जो कि गिर रहा है इसमें, और इसको जाना चाहिए तो कहाँ, इस बिरला निवास की जो पीछे बनी हुई टंकी है उसमें जाना चाहिए था, लेकिन ये पानी अभी फिलहाल में यहाँ पे और वहाँ पे डायरेक्टली उसमें डाला जा रहा है, फिर उसमें से गंगा जी में जा रहा है। और रीज़न ये है कि सीवेज टंकी बनने के बावजूद अभी ऐसा उसमें क्या कमी रह गया जिसकी वजह से गंगा जी में पानी डाला जा रहा है। तो होगा कोई रीज़न जिसकी वजह से पानी को गंगा जी में डाला जा रहा है। मित्रों तो आइए कुछ और भी दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, तो हर दिन की तरह फिर से मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ नीचे का दृश्य जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए आपको बैक कैमरा से फ्रंट का नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि मैं अगर जूम करूं तो जूम करके भी आप देख सकते हैं यहां पे जो नज़ारा है उसका, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे तो किस प्रकार से यहां से वहां तक जो है कि चीज़ें फैली हुई हैं। और यहां पे एक बड़ा सा गड्ढा है जो कि एक प्रॉब्लम है, अगर ये ढका नहीं गया, जिसमें गिरा तो गया वो, समझ रहे हैं आप, तो ये ढका तो जाएगा ही, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो भी कुछ दिन इसको ढक दिया जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके जो भी कार्य चल रहे हैं उसको भी दिखाने का प्रयास वीडियो के माध्यम से करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारे आप सभी के, पूरी दुनिया के ये प्रभु बजरंगबली हैं और इनके साइड में जो काम चल रहा है कहाँ तक पहुँचा ये आप देख सकते हैं। तो जो सीढ़ियों का काम है ये देखिए, कल तक एक लगाया गया था यहाँ पे और नीचे, और ये ऊपर लगा दिया गया है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो ये कार्य है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पत्थरों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। यहाँ पे कल तक पत्थर मतलब कम रखे गए थे, लेकिन आज जो पत्थरों की संख्या है वो बढ़ गई है, अधिक हो गए हैं पत्थर, क्योंकि सारे के सारे ये पत्थर से इन सीढ़ियों पे जड़े जाएंगे और ये पत्थर जो है वो चुनार से आए हुए मित्रों। जैसा कि आप इधर साइड में देख सकते हैं ये जो रैंप के सामने सीवेज पंपिंग स्टेशन है और सीवेज पंपिंग स्टेशन के नीचे जाने का जो रास्ता है, तो यहाँ पे जो वॉल्स बनाई गई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई है और यहाँ से आप नीचे अंदर साइड में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइट भी लगाया गया है, तो मैं अभी नीचे इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है और नीचे क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है, तो जाना अच्छा मेरे लिए नहीं होगा मित्रों, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहूंगा। और यहां से देख सकते हैं आप कॉरिडोर का अंदर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बढ़ेंगे आगे और आगे का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। और मित्रों यहां पे ऐसा कुछ है
जो कि ये ब्लैक यहाँ पर दिखलाई दे रहा है पूरा पानी, ये पूरा यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे भी मतलब वहाँ से नीचे से मतलब आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे मान लीजिए आप नीचे से आएंगे यहाँ से मणिकर्णिका घाट और रैम के बीचों बीच से इस वाले पोर्शन से, यहाँ से जब आएंगे आप तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए उधर चले जाएंगे, और डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं तो ऐसे जो है कि अंदर कॉरिडोर में चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीवेज पंपिंग जो स्टेशन है वो पूर्ण तरीके से तोड़ दिया गया है। और ये देखिए आज ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत सारा कैमरा लगा है, ये क्या है आज यहाँ पे कोई फंक्शन वंक्शन है क्या, पूरा ये सब सेटअप वेटअप ले कर आए हैं, शायद कोई प्रोग्राम वोग्राम हो सकता है जिसकी वजह से ये सब सारा लोग सामान लेकर आए हैं। और जैसा कि आप सामने देखते हैं सीवेज पंपिंग जो स्टेशन था उसको तोड़ कर मलबा जो है कि गंगा जी एकदम किनारे लगा दिया गया है, और कुछ बचा नहीं रह गया है, अब बनेगा वहां पे एक स्टेज जो कि सांस्कृतिक स्टेज होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब दिखाने वाला हूं आपको बहुत ही प्राचीन, लगभग बहुत प्राचीन मंदिर है, उस पर जो कलाकृतियां हैं वो दिखाने वाला हूं। तो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे इन पे कलाकृतियां जो है, किस प्रकार की अद्भुत कलाकृतियां इस पे बनाई गई हैं, आप खुद भी इस चीज को देख करके समझ सकते हैं। ये कलाकृतियां बहुत ही भव्य है और बहुत ही सुंदर है। एक मंदिर देखिए इधर भी है, यहाँ भी इन पे जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी बड़ा सुंदर है और बड़ा ही अद्भुत है। आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे से दृश्य आपको दिखाते हैं।